वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड एडवांस एजुकेशन बच्चों आज हम क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है स्पेशल नेम्स यानी प्रॉपर नाउंस बच्चों स्पेशल नेम क्या होते हैं अब स्पेशल नेम और एक कॉमन नेम दो नेम होते हैं कॉमन नेम और स्पेशल नेम जैसे अगर मैं कहूँ लड़का लड़का शब्द तो हम किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं लड़का जो लड़के होते हैं लेकिन इस लड़के का भी एक नाम होता है जैसे अनिरुद्ध रुद्र लक्ष्य ऐसी ही लड़की लड़की हम किसी को बोल सकते हैं लेकिन लड़कियों के भी नाम होते हैं जैसे ख्याति परी इस तरीके से लड़कियों के नाम भी होते हैं ये कॉमन नेम है अब बात करते हैं एनिमल्स के लिए जैसे हम एनिमल्स में डॉग्स पालते हैं डॉग यानी कुत्ता डॉग को हम किसी भी जो डॉग्स हैं सबके लिए कॉमन नेम हो गया लेकिन हम अपने डॉग का भी एक नाम रखते हैं और उस नाम उसका नाम कुछ भी हो सकता है जैसे टॉमी तो टॉमी क्या हो गया उसका स्पेशल नेम हो गया लेकिन कॉमन नेम हो गया डॉग आज हम इस चैप्टर में स्पेशल नेम के बारे में ही बात करेंगे लुक एट दिस पिक्चर एट दिस पिक्चर्स अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आप ध्यान से देखें एक डॉग है गर्ल एंड ए बॉय टॉमी इज ए पैट डॉग टॉमी एक पैट डॉग है आयशा इज ए गर्ल आयशा एक लड़की है राजा इज ए बॉय राजा एक लड़का है द कलर्ड वर्ड्स आर स्पेशल नेम जो कलर्ड वर्ड हैं जो रेड वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर टॉमी आयशा एंड राजा ये कलर्ड वर्ड जो हैं ये स्पेशल नेम है डॉग इज़ ए कॉमन नेम फॉर एन एनिमल डॉग किसी एनिमल का एक कॉमन नेम होता है बट द अबाव डॉग हैज़ ए स्पेशल नेम ऑल्सो लेकिन ऊपर जो एक डॉग बैठा हुआ इसका स्पेशल नेम भी है द डोग स्पेशल नेम इज़ टॉमी और डॉग का स्पेशल नेम टॉमी है सिमिलरली इसी तरीके से द गर्ल एंड द बॉय ऑल्सो हैव स्पेशल नेम्स लड़की और लड़के का भी एक स्पेशल नाम है द गर्ल्स द स्पेशल नेम इज आयशा एंड द बॉयज स्पेशल नेम इज़ राजा तो लड़के का स्पेशल नेम राजा है और लड़की का स्पेशल नेम आयशा है वही हमारे डॉगी का स्पेशल नेम क्या है टॉमी रिमेंबर इन बातों को ध्यान रखेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स दो तरह के नेमिंग वर्ड होते हैं कॉमन नेम जैसे डॉग गर्ल बॉय ये कॉमन नेम है स्पेशल नेम टॉमी आयशा राजा ये स्पेशल नेम है स्पेशल नेम को जब भी हम लिखेंगे चाहे वो किसी पर्सन का है प्लेस का है या एनिमल का है या किसी थिंग का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है यानी कैपिटल ए बी सी डी से शुरू होता है ओके जबकि कॉमन नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है ये बात ध्यान रखने की है रिमेंबर दिस दिस लाइन स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स ऑलवेज विद बिगिन विद कैपिटल लेटर्स एक्सरसाइज बच्चों इसमें एक्सरसाइज दी हुई है इसे आप करेंगे रीड द फॉलोइंग रीड द गिविंग सेंटेंसेस निम्न लिखित जो दिए गए सेंटेंसों ने आप पढ़ें अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स और स्पेशल नेम को आपको अंडरलाइन करना है एंड सर्किल द कॉमन नेम और कॉमन नेम को सर्किल करना है नव्या इज माई फ्रेंड और फ्रेंड तो कॉमन नेम होता होगा हम किसी को भी जो हमारे फ्रेंड है चाहे वो नव्या है नित्या है दित्या है जो भी है सबको फ्रेंड ही बोलेंगे लेकिन सबके अलग अलग नाम जो है वो स्पेशल नेम है नव्या को क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे और फ्रेंड को क्या करेंगे सर्किल करेंगे आपकी एक्सरसाइज भी यही है अंडरलाइन द स्पेशल नेम एंड सर्किल द कॉमन नेम क्लियर बाकी आप करेंगे रोवर इज़ माई पेट डॉग इंडिया द इंडिया गेट इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग मी तू इज मई सिस्टर अनुज इज ए पायलट बी मैच द नेमिंग वर्ड्स विद द स्पेशल नेम्स आप नेमिंग वर्ड्स को स्पेशल नेम से मैच करेंगे नेमिंग वर्ड्स क्या है टावर स्पेशल नेम नेमिंग वर्ड टावर कंट्री डोग रिवर सिटी स्पेशल नेम हैदराबाद गंगा इंडिया रोवर कुतुब तो मीनार आप इनको आपस में मैच करेंगे क्लियर पिकअप सी सी क्वेश्चन इज पिकअप स्पेशल नेम फ्रॉम द फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस से जो स्पेशल नेम है उसको पिकअप करो राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस में लिखिएगा आई हैव सीन द ताज मैंने ताज देखा है तो स्पेशल नेम क्या है द ताज द ताज महल इज इन आगरा वो आगरा में है मिस रोमा इज माई टीचर मिस रोमा मेरी टीचर हैं मिस रोमा टीचेस मी इंग्लिश तो हमने स्पेशल नेम क्या है उसको कंप्लीट uh, सेंटेंस से उठा करके और अनकम्प्लीट सेंटेंस में लिख करके उसे कंप्लीट किया है राइट द स्पेशल नेम्स इन बॉक्स ए एंड कॉमन नेम्स इन बॉक्स बी स्पेशल नेम को आपको को बॉक्स ए में लिखना है और कॉमन नेम को आपको कहाँ बी बॉक्स में लिखना है कुछ नेम यहाँ पर लिए गए हैं कार मारुति कार मारुति मारुति नाम है एक कार का जबकि कार सभी कार्स के लिए कॉमन वर्ड है राइट ये कॉमन नेम है ये एक स्पेशल नेम है डेली स्पेशल नेम है सिटी का और सिटी एक कॉमन नेम है क्लियर ऐसे ही आप इन सभी को नटराज पेंसिल मोबाइल रेड फोर्ट आंट जो जो नोकिया बिल्डिंग ये आपको देखना है कि कॉमन नेम कौन सा है और और स्पेशल नेम कौन सा है बॉक्स ए में आप स्पेशल नेम लिखेंगे बॉक्स बी में आप कॉमन नेम लिखेंगे रिमेंबर याद रखें टू बिगिन द स्पेशल नेम विद कैपिटल लेटर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी स्पेशल नेम को लिखते हैं यानी आप अपना भी नाम लिखेंगे या अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी नाम लिखेंगे या किसी का भी नाम लिखेंगे तो आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और कॉमन नेम्स को हमेशा इस पॉन लेटर से शुरू कर करते हैं एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन लेसन नंबर वन रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड यू जस्ट कमेंट ऑल्सो ऑन दिस और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को पढ़ाएं थैंक यू